अपने बेटे का विश्वास बढ़ाती हुई। बहन प्रियंका गांधी भी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो देखिए इसी पल का इंतजार रायबरेली में सुबह से किया जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने तमाम तरह की तैयारियां की गई थी कार्यकर्ताओं की तरफ से। रायबरेली की जनता सुबह से इंतजार कर रही थी कि कब राहुल गांधी आएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 12:15 का वक्त बताया जा रहा था, लेकिन फिर किसी कारणवश समय में थोड़ा बदलाव किया गया और अब 2:07 पर राहुल गांधी ने अपना नामांकन किया है रायबरेली सीट से। प्रियंका गांधी भी मौजूद है, न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तो बेहद ही खास, बेहद ही अहम ये तस्वीरें। आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही खास है और राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में और राहुल गांधी के अपोनेंट यानी कि बीजेपी की तरफ से दिनेश को टिकट दिया गया है। राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे रायबरेली पर। जो मुकाबला है वो बेहद ही ज्यादा दिलचस्प हो गया है। कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी राहुल गांधी और दिनेश के बीच। पहले कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनावी मैदान में है। हालांकि रायबरेली ही नहीं बल्कि वायनाड से भी राहुल गांधी चुनाव वायनाड से भी राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा है। 26 अप्रैल दूसरे चरण में वायनाड में वोटिंग हो चुकी है और आज राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से नामांकन किया है। तो वहीं ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, ओम और साथ ही आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आनंद का रुख करना चाहेंगे। आनंद, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए सुबह से इंतजार किया जा रहा था कि कब राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और वो पल आ चुका है जिसका इंतजार सुबह से रायबरेली की जनता कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे। राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया। आंचल, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी, ये दो सीटें हैं जहां गांधी परिवार सीधे ही अपना वर्चस्व रखता है और पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन आपको याद होगा 2019 के चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी हार चुके थे और कहीं ना कहीं हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी इस बार जो राजनीतिक हालात हैं उत्तर प्रदेश के, तो उसमें अपना हाथ आजमाना नहीं चाह रही थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अमेठी से जो मैसेज आ रहे थे उससे लग रहा था कि चीजें कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी 2019 में हारे थे वो चीजें छोड़ने के बाद, क्योंकि कई बार अक्सर देखा जाता था गांधी परिवार का इन दोनों जिलों से यानी रायबरेली से अमेठी से एक अपना तारुफ रहता था, वो लोग आते जाते थे, लेकिन 2019 में जैसे ही अमेठी से राहुल गांधी आए तो उसके बाद हारे थे, तो उसके बाद अमेठी जाना छोड़ दे, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव वाइब्स थी उसके चलते प्रियंका गांधी